नमस्कार न्यूज। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्ध और मंत्री तृप्त रजिंद्र बाजवा बटाला के नजदीकी गांव डफई में एक जन समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर और सांसद सनी देओल के ट्वीट समेत कई दूसरे मसलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए गए। देखो, डेमोक्रेसी दे विच हंकार नूं कोई थां नहीं होंदी, ईगो नहीं कदे रखनी चाहिए। लोकतंत्र लोगों के कोई आप खिलाफ जो कोई कानून बनाने, पहली गल तो इन्हों जो कानून बनता है ये बकायदा सारिया विधानसभा जाता है। जो कानून बनते हैं तो विधानसभा पास कर दी ने, जो विधानसभा पास नहीं कर दी तो कानून बिल नहीं पेश होता। तो लेकिन वो इन्होंने सब कुछ सिक्कड़ लंघ के सीधे तौर पर लिया के अपने बिल तो कानून बनाते हैं। और मैं जी गल पता लगी कि राज्यसभा के भी वो बिल हाले प्रॉपर पास नहीं होया, उस बिल ने कानून बनाता जिहड़ा कि बहुत ही एक मैं कहना वड्डी ब्लंडर मिस्टेक है इन्हां दी। और दूजी गल, जिन्हां लोकां वास्ते कानून बनाया जो उही उहदे खिलाफ ने उन्होंने माफ नहीं है तो वह कानून कहदे वास्ते है। जिहड़े कानून बनते हैं हमेशा जां कानून अमेंडमेंट हुंदी आ जां पार्लीमेंट जांदे आ जां राज्यसभा जांदे आ वो लोगों की भलाई वास्ते नहीं, लोगों दुखी करन वास्ते नहीं होंदे। ये जिहड़े तिन्ने काले कानून ने लोगों दुखी करन वास्ते बनाए गए हैं। ये नाल साडी कल्ली किसानी नहीं, कल्ला मजदूर नहीं, खेत मजदूर नहीं, जां आड़तिया नहीं, समुची सारी इकोनमी ते बहुत असर पाऊगा। जिहड़ा वो सारे ही इस दे विच रगड़े जाणगे, खास करके साढ़े तीन स्टेटा ने बहुत बड़ा असर पैना है। तो साढ़े को मंडीकरण सिस्टम हैगा, ये प्रताप सिंह कैरों की एक बड़ी बड़ी सोच सी कि उन्हें मंडीकरण सिस्टम उसने लागू किया। और बकायदा ये की है कि सानू 94% लोग जोड़े से उपर मंडी से, 6% जो असी हाँ पंजाब हरियाणा वैस्टर्न यूपी के लागू है। और उतों का किसान अपने आप को सिक्योर समझता है, लेकिन बाकी सारी जगह तो देखना जो अपने यूपी बिहार तो इतने काम करने वास्ते आते हैं मजदूर, वो ईवन बहुत सारे किसान ने उन्हों को लैंड भी हैगी है, 5-6 किले जमीन भी हैगी है, पर कोई बिघा कितने बिघा कितने है। तो इस करके वो साढ़े को बेचारे साढ़े दुकाना बढ़ के जाते हैं, जो साड़ी कणक बढ़ के जाते हैं, जो झोना लाने वास्ते आते हैं, क्यों आते हैं? साढ़ा 2 एकड़ वाला किसान भी बाहर कहीं मजदूरी करने जाता, वो भी 4 एकड़ नाल ठेके ते लैके खेती करता। वो जी साड़ी सरकारी वो खत्म करने वास्ते इन्होंने किया है। तो जिमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी उदों भी ये होया सी कि उन्होंने हिंदुस्तान से पहला बिजनेस स्टार्ट किया, हौली हौली हिंदुस्तान से सारा बिजनेस कह चुके हिंदुस्तान गुलाम बना लिया। तो उदों भी पंजाब के लोगों की पूरा हिंदुस्तान 200 साल गुलाम रहा, पर पंजाब सिर्फ 90 साल रहा। और पंजाब के लोगों ने उदों भी अपनी गैरत दिखाई तो उसके खिलाफ लड़ाई बिढ़ी, तो अज भी पंजाब के लोग अगे आए हैं। मैंने पूरी गरंटी इस गल की कि ऐसे जित किसानों की होएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना चाहिए। सर MP जिहड़े गुरदासपुर तो सनी देओल, उन्होंने नज़र तो नहीं आए कि हाल तक किसी भी धरने, पर उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि जिहड़े सरकार का तो किसानों का आपसी मसला है तो ये आपस में बैठ के नजिठ लेंगे, जिहड़े अपने स्वार्थ वास्ते अड़चना पा रहे हैं वो पिछे हुए। ये बिल्कुल वो गलत बयानबाजी है, वो अपनी स्किन सेव करनी चाहता है, स्वार्थ तंग हूँ लोगों का गल करे। अज गुरदासपुर जाए वो धरने पर बैठता, उत्थे आके मोदी के बाद धरना ला के बैठता कि मैं उतो चुन के आया, लोगों मैंने वोटा पाइया ने, तो अज ये कानून वापस लाओ। कोई बंदा अज जे प्रकाश सिंह बादल की नूँह गल कहे असी बेकसूर हैं, गलत गल है। सीधे तौर पर प्रकाश सिंह बादल का परिवार वो नूँह सुखबीर बादल जिम्मेवार ने। 15 सितंबर तक ये लोग छोले गाँवते से कानून उन्हों के, और जो उन्होंने देखा साढ़े हाथों जमीन निकल गई साढ़े पैरों थल्यों, फिर उल्टे पास चल पे। लगातार मीटिंग की जा रही, 9 तरीक में फिर मीटिंग रखी गई है, कि समय मीटिंग का कुछ हल निकल सकता है? देखो ये गलबात तो मस जो कोई मसला है गलबात नहीं होना है, गलबात किस माहौल जिंदर मोदी आप शामिल नहीं होंगे या अमित शाह शामिल नहीं होंगे उन्होंने मसला हल नहीं हो सकता। सर बादल साहब ने क्या मैं अवार्ड वापस करना, अवार्ड तो है लेकिन जो पेंशन पर लाभ मिल रही है वो नहीं वापस करनी चाहिए? नहीं नहीं, पेंशन तो पंजाब गवर्नमेंट देती है, सेंटर गवर्नमेंट थोड़ी देती है। और दूजी गल यह हैगी है कि प्रकाश सिंह बादल के अवार्ड क्या वापस करने की जरूरत है? उस जो सब तो पहला NDA का वो हिस्सा से, तो जो कैबिनेट की मीटिंग नूँह बैठी सी तो अज सुखबीर सिंह बादल कहता सानू तो ऑर्डिनेंस तो पढ़े ही नहीं, यदा तुम अनपढ़ हो। अभी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जरा जे जे अवार्ड वापस कर लो उन्हें कहो लड़े जित के अवार्ड लिया हो। केजरीवाल इन दिनों बाद अज धरने गया जी किसानों को, किस तरह देखिए? केजरीवाल को पता भी मेरा भी हम सुखड़ा साफ हो जाना जे मैं नहीं जाऊँगा। अज सिर्फ लोगों ने आए जे केजरीवाल सिर हों तो उन्हें वो नोटिफिको किया कानून। सर केंद्र कहती है कि किसान घट एजेंसियां शायद ज़्यादा ने, नहीं एवें गलत गल है। अज पंजाब का बच्चा बच्चा उन्होंने किसानों के नाल खड़ा है,
असी मैं बतौर कांग्रसी असी भी कल धरना लावांगे। ये साड़ा एक डेमोक्रेट राइट है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अज कला किसान नहीं, किसान दे नाल पूरा पंजाब का बिजनेसमैन भी, पंजाब का हर तबका, पंजाब का स्पोर्ट्समैन भी, हर बंदा, डॉक्टर भी ईवन बहुत आप सेवा करने वास्ते पहुँचे हुए हैं। ये उन्होंने भुलेखा, अज हरियाणा का किसान भी उठ जा गया, अज यूपी का किसान भी अवेयर है, अज बाहरलियां छत्तीसगढ़ का किसान भी आ गया, राजस्थान का भी आ रहा, मध्य प्रदेश का किसान भी आ रहा। तो जो तू जो दो चार दिन होर कोई मसला हल नहीं होता तो देखना पूरे हिंदुस्तान से हलचल हो जाएगी। देखो सेंटर सरकार को अपना राजहट छड़ना चाहिए, तो लोगों की सरकार आ, लोगों के भले वास्ते सोच के वो फैसला लेना चाहिए। हुण किसी नूं ओला नहीं रह गया भी ये जिहड़े बनाए कानून ने इस तो सारी किसानी दुखी आ। पहला तो पंजाब का किसान उठिया से, हुण हौली हौली सारे मुल्क का किसान उठण डिया। सो मेरी हाथ जोड़ बेनती है सेंटर सरकार नूं भी अपना राजहट छड़ के असलियत पछाणन ते किसानों के हक की गल कर। गुरदासपुर के जिहड़े सांसद ने सन्नी देओल आए तो है नहीं इत्थे, पर उन्होंने एक ट्वीट किया कि यह किसानी का तो केंद्र सरकार का मसला आपसी हल बैठ के कढ़ लैणगे, पर जिहड़े अपने स्वार्थ वास्ते अड़चना पा रहे हैं उन्होंने विच नहीं आना चाहिए। देखो वो ना किसान नहीं है, ना किसान है, ना किसानी ने जुड़िया, ना उन्होंने किसी प्रॉब्लम का पता। वो दिल्ली से रहने वाला बछिंदा, उन्हें वह जी गल करनी, वो गल का पता, गुस्सा ना करो। तुम्हें लगता सर कि मीटिंगा लगातार हो रही ने, हूँ फिर 9 तरीक की मीटिंग रख दी, मीटिंगा का कोई हल निकल सकता? देखो गलबात ही हल निकलता वा, आस रखनी चाहिए है भी हल निकल निकलेगा। तो असी अरदास ही करने भी परमात्मा दो पासियां कि समत बख्शे, किसी ना किसी निर्णय जरूर पहुंचन, ये ही साड़ा पड़ा। ये मेरे ख्याल फरवरी हो जाएगा। सर केजरीवाल को काफ़ी देर बाद समझ आ गई है, तो अब भी किसान धरने गए जी उसानों? चलो जी पहला नोटिफिकेशन कर लिया हक च, हूँ किसान धड़े जो दोवें पास रखना चाहता है। चलो जी किसानों बदनाम कर लिया भी एजेंसियों का काम है, सेंटर सरकार को सारी अपनी CID है, IB है, उन्होंने पता होना चाहिए, फिर जो है उन्होंने पढ़ लैन।